बात हो गई हमारी। सही चीज है। अरे एक बहुत हो गया बस। बच्चे तो एक लिफाफा बहुत हो गया। नहीं ये तो मम्मी का है, मेरे लिए तो बच्चे थे। मेरे तो ये बच्चे मेरा तो दीदी ने बच्चों को दिए। आते रहो। मुझे नहीं पता यार, पैर छू लेती है वैसे। हे हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका मिश्रा। और जेसिका ने तो जैसे आपसे कहा था वैसा वो कर रही है, जा रही है जेसिका कहीं तो घूमने, और आपको भी ले जा रही है वापस से एक बार वृंदावन। यस, हम लोग जा रहे हैं वापस से वृंदावन। बाय बाय बेबी, सबको बाय बाय करते हुए अब चलते हैं वृंदावन के लिए। गाड़ी ढक दी गई है, देखो एक छोटी वाली गाड़ी ढक दी, बेचारी बड़ी कह रही मेरे को क्यों नहीं ढका। तो सारे रेडी हो गए हैं, सब जा रहे हैं तैयार होके, और हम इनके साथ जा रहे हैं, है ना। चलो बैठो, चलो चलो दो दो बार वो खुश हो के अंदर। चलो गाइस नाउ मूविंग। ये क्या हुआ वहां इतने सारे, इधर आ जाओ ना। अरे दी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यहाँ आ जाओ, है ना जगह। अरे मेरे साथ आ जाओ, हवा लगी है, इधर गर्म लग रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। हाँ, दोनों गाड़ियाँ घर पे हैं और बैठ के जा रहे हैं ऑटो में, क्योंकि मुंबई में है तो ऑटो का ही सफ़र सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ सब हर बंदा ऑटो प्रेफर करता है। सो देखिए, एक दो तीन चार आहान पाँच जैनेट, और ऐसे ही दूसरे ऑटो में भी बैठे हुए भैया मामी जी और दो बच्चे। दो बच्चे ना, ठीक है गुड। ओह मैडम कतई जहर। हाँ तो खा के मर जाना। आ गया बड़ा कमेंट करने वाला, कतई जहर। सो गाइस जाना था कहीं और, पर अभी मैं फिलहाल उतर गई हूँ वेस्ट साइड, शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग कर रहे हैं। सो अरे ये कहाँ से आ गया साथ में, पर धूप भाई बहुत गंदी धूप है बॉम्बे में, समझ नहीं आ रहा बाहर मेरा क्या होने वाला है। चलो फटाफट चलते हैं। सो गए तो थे शॉपिंग करने, पर खास कुछ हुआ नहीं, वी गॉट द परफ्यूम ओनली। चलो सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं बोरीवली स्टेशन, जो कि मेरी लाइफ का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ मैं घुस रही हूँ, मतलब ट्रैवल के लिए घुस रही हूँ। बच्चों का ध्यान, चलो चलो बच्चे पीछे रह गए। So guys, अजीब सी है ये तो, ये एक्सेलेरेट पे कितना खतरनाक है गाइस, अजीब सा ही है एकदम। हाँ वही तो, जल्दी आ गए। सही चीज़ है।
अमेजिंग यार। हम तो यहाँ पर तो यहाँ हैं, वो तो इतनी दूर हो रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए और बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट ही रेस्ट रूम है। कुत्तों जैसी हालत हो गई हमारी। चलो सीखना तो चाहिए, हम सीख रहे हैं। इधर आ जाओ। सो गाइस हम तो अकेले आने से रहते, अगर ये ना होते तो हम नहीं होते यहाँ। हाँ बेटा आज वो ट्रेन आ रही है जिसमें हम कभी नहीं सोच सकते थे बैठने का। आ गई। ये हमारी यही है पार्थानुकूल, पीली पीली गाड़ी है हमारी। ये कैसी है? ये अंदर से तो बड़ी दुर्गति है इसकी। सो गाइस फाइनली पहले वाली ट्रेन हमारी नहीं थी, ये हमारी ट्रेन है, ये भी पीली पीली। सो फाइनली हम लोग सीट पे बैठ चुके हैं और बाहर का नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है यार। हाँ जी हमारी ऊपर की है पर वो रात पे बैठ पाएंगे, अभी हमको यहीं बैठना पड़ेगा। आ गए बच्चे यहाँ पे, आ गए अभिनव और भैया दूसरे डब्बे में चले गए। ये देखो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं ट्रेन में। बैठ नीचे बेटा, गिर जाओगे। हाँ यहाँ के टी टीज आर अमेजिंग, अजीब मतलब अजीब नहीं, एकदम टिच फिट होके आते हैं। हम अब आ गए हैं सारे एक साथ, बच्चों ने जीना हराम कर रखा है हमारा। बोलो सारे एक साथ बैठे नहीं, हम तो ऐसे निकल जाएंगे। हाँ आइसक्रीम छोड़ के निकल जाएंगे। अरे उठा देंगे बेटा हमारे साथ, क्यों उठा देंगे